वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत मज़े में होंगे। और आज दिन जो है मंडे है और आज मैंने साड़ी वेयर की है, रेड कलर की, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर मेरे ब्लॉग में अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ भी, 2 से 3 होने की ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो बेबी वेबी की तो ही आप इस टिप्स को फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी डाइट, ये सारे प्लान जो है ना, आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। मेरे ख्याल से मेरी कई सारी बहनें फॉलो करती भी हैं क्योंकि वो मुझे सजेशन देती रहती हैं, तो मुझे भी उस चीज़ को अपने लाइफ में लाना चाहिए, इस चीज़ को मुझे लगा। और ब्लॉग शुरू करने से पहले मैंने मॉर्निंग में कुछ योग आसन किए थे जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी योग आसन है, 3-4, तो वो योग आसन मैं इसके बाद लगा दूँगी। तो उसको प्लीज़ आप लोग पूरा फुल ज़रूर देखना डिटेल में कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊँगी। तो वो चीज़ मैं अभी शुरू कर देती हूँ, तो आप देखना, अभी लगा दूंगी वो वाला क्लिप और इसके बाद फिर मेरा ब्लॉग जो है वो शुरू होगा। और ये साड़ी का फुल लुक जो है आप लोगों को मैं ये योगासन दिखाने के बाद दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए आपको योगासन दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। ये आसन फ्रेंड्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 4 आसन बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले फालती मार के बैठ जाना है, हाथों को सामने की तरफ इस तरह से घुटनों पर रख के आपको इस तरह से फूल बना लेना है। आपको मूंद के आपको सांस अंदर बाहर करनी है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से करना है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खाना नहीं, पानी नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सांस होता है। तो सांस को स्वच्छ और सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुबह के टाइम जो वायु निकलती है, जो ऑक्सीजन निकलती है ना, वो बहुत स्वच्छ होती है। तो इसीलिए सुबह के टाइम पे ये प्राणायाम करिए जिससे कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और निरोगी रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आइए हम करते हैं दूसरा आसन। तो दूसरा आसन है अलोम विलोम। तो फ्रेंड्स ये आसन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, रेड सेल होते हैं ब्लड की, उसको जो है ये बहुत ज़्यादा सुधारता है। अगर कोई ख़राबी वगैरह उसमें हो तो बहुत ज़्यादा सुधारता है, साथ में आपको निरोगी बनाता है, साथ में आपका दिमाग भी इससे तेज़ होता है। आपको करना क्या है, आपको अलोम विलोम में बस दूसरे उसी तरह प्राणायाम के आसन में बैठ के दूसरे हाथ से आपको अपने एक नाक को बंद करते हुए सांस लेनी है और दूसरे नाक के क्षेत्र से छोड़ देनी है सांस को, फिर उसी नाक से सांस लेनी है, फिर दूसरे वाले से सांस को छोड़ देनी है। इसी को कहते हैं अलोम विलोम। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक बहुत ज़्यादा चमत्कारी फ़ायदा, वो ये है कि अलोम विलोम करने से ना फ्रेंड्स आपका दिमाग तेज़ तो होता ही है, साथ ही आपके अंदर जितने भी बुरे सेल होंगे ना, उनको भी ये मारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसको ज़रूर आप करें। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। इसको कहते हैं फ्रेंड्स तितली आसन। इसमें आपको इस तरह से बैठना होता है, अपने दोनों एड़ियों को आप जितना अपने बॉडी के पास ला सकते हो ले आओ और अपने तलवों को इस तरह से जोड़ के बैठ जाओ पैरों को। इसके बाद अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अपने पैरों को इस तरह से आपको ऊपर नीचे हिलाना है, जैसे कि बटरफ्लाई अपने पंख हिलाती है उस तरह से एकदम स्ट्रेट बैठना है फ्रेंड्स आपको। इस आसन से करने से ना फ्रेंड्स आपकी अगर साइकिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर टाइम पे ना आता हो तो वो एकदम सही हो जाएगा। आपके प्रेगनेंसी टाइम में जो दर्द होता है उससे राहत देगा, साथ में आपकी फर्टिलिटी को एकदम मजबूत बनाता है। तो इस आसन को आप ज़रूर करिए, बहुत ही उपयोगी आसन है ये। इसके बाद आते हैं हम अपने मेडिटेशन की तरफ। फ्रेंड्स मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिटेशन में आप ओम का जाप करते हुए मेडिटेशन करिए, भगवान का ध्यान करिए, शांति से बैठिए। इस चीज़ को करने से ना आपके शरीर को शांति मिलती है और उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है कि अपने को वो थोड़ा सा रिकवर कर सके, कोई भी खराबी कोई भी दिक्कत हो तो उसको रिकवर कर सके, तो उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है और भगवान का इस तरह से नाम लेते रहिए। तो ये 4 आसन अपने जीवन में ज़रूर आप करिएगा। तो हाँ
हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने साड़ी का फुल लुक आप लोग को दिखा दिया। आप आई होप आप लोग को साड़ी अच्छी लगेगी। चलो फटाफट ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना, मैंने साड़ी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिए, बस मुझे जो है ना अभी अपना बेड सही करना। बेड सही है, एकदम सब कुछ सही है, बस सिर्फ कम्बल मैंने लपेटा नहीं था क्योंकि ये सो रहे थे, तो कम्बल मैंने लपेटा नहीं, उसको मैं लपेट के रख देती हूँ। इसके बाद बाकी के सारे काम करती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा, मैं कम्बल अपना जो है वो लगा ली हूँ। यहाँ पे कुछ सामान लेके आए थे, जैसे कि आटा हो गया और तेल ख़त्म हो गया था, तो वो तेल लेके आए थे। और क्या लाए थे, हाँ बस आटा और तेल ही लाए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चूड़ा भून रही हूँ खाने के लिए नाश्ते में। इनको थोड़ा सा ही बचा है, बहुत और सारा ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा बचा है तो इनको भूज दूँगी, तो खा के अपना ये निकल जाएंगे। तो बस वही चूड़ा भून रही हूँ। और प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी साड़ी ये कैसे लग रही है। ये साड़ी ना मुझे तीज पे इन्होंने दिलाई थी, मतलब कि फर्स्ट तीज जब मेरा था ना, जब मैं शादी होकर आई थी, तो पहली बार जो मैंने तीज का व्रत रखा था, तब मैंने ये रेड वाली साड़ी खरीदी थी। और तब आप लोग तो जानते हो, जब नई नई शादी होती है तो रेड रेड पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और वैसे भी मेरा रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। आज मैं अपने वीडियो का ना ब्लॉग का टाइटल ही यही डालूंगी कि देखो भाई रेड साड़ी में हमारे घर में कौन आया तो देखते हैं आप लोग क्या सोचते हो। और थोड़ा ऐसे सरप्राइज़ वाला टाइटल डालना भी अच्छा लगता है ना, कभी कभी आप लोग को सरप्राइज़ दे। तो बताना कैसा लग रहा है। और आप इसमें आपको मुझे देख के आप समझ ही सकते हो कि मैं कितनी जो है कमज़ोर और वीक हूँ। साड़ी पहनने पे एकदम सही से दिखता है ना बॉडी की, मतलब कि हाँ कितनी पतली दुबली सी दिख रही हूँ। तो इसी सबको मेंटेन करना है मुझे, इसके बाद दूसरा कुछ सोचना है, आप लोग समझ सकते हो। तो वही सारी डाइटिंग मैं आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ अपने हर ब्लॉग में। अब शेयर करूँगी, कुछ ना कुछ आपको बताऊँगी जो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि ये ज़िंदगी में ना हर किसी लड़की की ज़िंदगी में ये पल तो ज़रूर आता ही है, तो उसको वो कैसे मैनेज करे, कैसे करे, वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और सीखें और समझें। तो आज के ब्लॉग में तो मैंने आपको बताया योगासन करने का, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी योगासन है, उससे आपकी सारी बीमारियां तो दूर रहेंगी, साथ ही आपकी फर्टिलिटी भी मज़बूत होगी, तो उसे ज़रूर करना आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, ये नाश्ता कर चुके हैं और बस जाने के लिए निकल चुके हैं, तो बस जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा अपना मैक्स को भी खिलाने में लग गए हैं, क्योंकि उसको खिलाए बिना नहीं जाते हैं, तो उसको खिला के फिर जाएंगे। चल लो अब उसका मसाज ना कर। अरे कितनी आँख चमक रही है मैक्स, उधर देखो, उधर देखो, डर जाएंगे सब लोग। हटो हटो, एकदम एकदम जैसे लग रहा है कि भूत हो। तो हट जाओ, भगवान दिखाए। फ्रेंड्स, आज कोई भी स्पेशल रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, साधारण सी सब्ज़ी बना रही हूँ, मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस उसके लिए थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, प्याज लहसुन मिर्च और अदरक डाल दिया है, इसको भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और सारी सब्ज़ियों को मैंने पहले ही काट के धो लिया था, तो उसको मैं अभी डालूँगी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वही हरीसंस का मसाला डाल रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा मसाला होता है फ्रेंड्स, इसको मैं पहले यूज़ करती थी, अब फिर से यूज़ करने लगी हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका लेंगे, और इसके बाद इसमें जो है नमक भी ऐड कर दूंगी मैं, ताकि प्याज वगैरह जो है अच्छे से गल जाए इसमें। और फिर इसके बाद देखो हमारा मसाला कितना अच्छे से पक चुका है, ऑयल छोड़ दिया। इसके बाद सारी सब्जियों को इसमें मैं डाल दूंगी, मटर है, आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है, और भी जो भी सारी सब्जियां आप डालना चाहो, गोभी डाल सकते हो, पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। इसके बाद टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करके बस पका लूँगी। और थोड़ा सा तरी भी लगा दूँगी, मतलब थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, लेकिन देखने में इस तरह कितनी अच्छी लग रही है ना, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और साथ में बना लूँगी चावल, क्योंकि रोटी मैं नहीं खाऊँगी तो इसलिए मैं अपने लिए चावल बनाऊंगी। मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ, आप लोग मना करते हो बट क्या करूँ, मान ही नहीं पाती हूँ यार, चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए खाना हमारा बन चुका है, अब कर लेते हैं अपना लंच भी, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ
और हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ना स्वेटर पहन लिया क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, और यहीं से मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और आई होप अब मेरे ब्लॉग्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ, कोहरा जो है ना आज बिल्कुल भी हमारे यहाँ छटा नहीं है, बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। मतलब थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन धूप नहीं निकली है, बहुत हवाएं चल रही हैं। तो दरवाज़ा वजा सब बंद करके मैं रखी हुई हूँ और बस करती हूँ ब्लॉग का एंड। कल का ब्लॉग भी मिस मत करिएगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाली हूँ। और वीडियो कहीं भी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में थोड़ा सा आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वहाँ कर लेना, मैंने अब चेंज कर दिया नाम, यूपी ब्लॉगर अंबिका कर दिया है, जो चैनल का नाम है उसी नाम से इंस्टा आईडी कर दिया, तो आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर देना। और चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय, टाटा, टेक केयर।